उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी और मैं महीने में सिर्फ 10,000 कमाती थी और मुझे उसी वक्त 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। उस वक्त नहीं तो कम से कम 7 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बॉस के पास डरी सहमी सी गई। मुझे पहले से पता था कि बॉस एक अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इतने दिनों से मैं काम कर रही हूँ उनके पास, शायद उन्हें थोड़ा सा भी मेरे दिक्कत का एहसास होगा और वो मुझे पैसे देने के लिए राजी हो जाएंगे। मैं उनके पास गई तो उनका बर्ताव तो बहुत अच्छा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मुंह से इतना शहद कैसे टपक रहा था, यानी इतनी अच्छी तरह से वो कैसे बात कर रहे थे। 50,000 की जगह वो 1,00,000 रुपये देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि असली मकसद उनका तो कुछ और ही था। मैं बहुत डर गई, लेकिन मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और ये 50,000 रुपये बॉस छोड़कर और कोई दे भी नहीं पाएंगे, मैं ये भी सोच रही थी। दोस्तों नमस्कार, आज की ये कहानी रूपा की है। हमारे ज़िंदगी में हम चाहे ये कबूले या ना कबूले, लेकिन पैसों की तो बहुत ज़रूरत होती है। और कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं जहाँ पैसे छोड़ और किसी चीज़ की उतनी कोई दिक्कत नहीं थी होती। मतलब पैसों का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ जाता है, जैसे घर पर कोई बीमार हो या फिर किसी के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि आज के समय में पैसों की कितनी ज़रूरत है। ऐसे ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर कहानी पसंद आई तो आप एक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कहानी की शुरुआत होती है रूपा से। रूपा एक मध्यम परिवार की 21 साल की लड़की थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अचानक से बार बार बीमार पड़ने के वजह से उन्हें अब जॉब पर जाना मुश्किल हो रहा था। उनकी माँ एक कम पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। रूपा के घर पे रूपा के छोर उसकी एक छोटी बहन और एक उसका भाई था। उन सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं रूपा पे ही थी। रूपा की उम्र जब 21 साल थी, उसके भाई और बहन दोनों की उम्र क्रमशः 14 साल और 12 साल था। तो रूपा ने ही अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने की सोची और जॉब की तलाश में निकल गई। बहुत जगह उसने इंटरव्यू दिया, कोई उसे एक्सपीरियंस नहीं है कह के काट देता, तो कोई कहता आप यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। रूपा काफ़ी मायूस हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि आप जितना कोशिश करते हो धीरे धीरे आपको सब कुछ सही होने लगता है। रूपा को भी एक जगह जॉब मिल गई। यहाँ पर सैलरी 10,000 रुपये मिल रहा था। रूपा इस जॉब को पाकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि यूं तो उसे कोई जॉब नहीं दे रहा था और उस वक्त 10,000 रुपये भी उसके घर चलाने के लिए काफ़ी थे। एक बार उसके पिता की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर पैसों की और कहीं से मदद मिल जाएगी, उसके पापा भी काम करने लगेंगे। ये सोचकर रूपा काफ़ी खुश हुई। ऑफिस से बाहर निकलकर उसने अपने जेब पर देखा, उसके पर्स में 60 रुपये थे। घर जाने के लिए 10 रुपये काफ़ी थे। उसके घर पर रूपा को लेकर 5 लोग थे। उसने 50 रुपये की मिठाई ली और खुश होकर घर चली गई। जैसे ही घर गई, उसके पिता की खांसने की आवाज़। रूपा थोड़ी मायूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा आज जो उसने प्राप्त किया है ये आज खुशी मनाने के लिए काफ़ी है। वो मिठाई ले जाकर अपनी माँ के हाथ में देते हुए कही, मम्मी मुझे आज जॉब मिल गई, सैलरी 10,000 रुपये। कल से मैं जाऊँगी, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक का जॉब है। ये लीजिए, मैं आज सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। रूपा के भाई बहन काफ़ी खुश हुए। वो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और अभी तो उनके घर में मिठाई आना भी बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि जो भी पैसे थे वो सारे पैसे मानो ख़त्म ही हो रहे थे। उसके पिता की नौकरी 2 महीने पहले छूट गई थी। आज सब उसके घर पे खुश थे और धीरे धीरे रूपा की ज़िंदगी में कभी मुश्किलें आती तो कभी ज़िंदगी सही चलती। वक्त धीरे धीरे बदलने लगा।
अब रूपा के घर पे किसी चीज़ की नॉर्मली दिक्कत नहीं थी। खाने पे रूपा कभी कभी पकवान भी ले जाती और सैलरी वाले दिन तो वो अपनी मम्मी के लिए साड़ी भी ले गई, सबके लिए घर में कपड़ा भी ले गई। उस दिन उसके घर पे बहुत खुशियों का दिन था। बेटी 10,000 रुपया कमा रही है और उसके जैसे परिवार के लिए 10,000 बहुत थे, मतलब बहुत। ऐसे में रूपा के घर पर अब सब कोई सही चल रहा था। मानो लोगों का परिवार एक बार फिर से एक अच्छा परिवार की तरह खुशियों से भरने लगा। देखते ही देखते वक्त बीता, लेकिन दोस्तों जिंदगी में हमेशा अच्छी रही समय ऐसा काफ़ी नहीं है, क्योंकि जीवन का नाम तो खुशियों और गम से है। एक दिन सब कुछ बदल गया जब रूपा के पिता के दाहिने चेस्ट में बहुत दर्द उठा। पता चला हॉस्पिटल ले जाकर कि रूपा के पिता को हार्ट अटैक आया था। वे लोग सभी काफ़ी ज़्यादा डर गए। डॉक्टर ने कहा हमें तुरंत में ये सर्जरी करना हो, तभी इनकी ज़िंदगी बच सकती है, जान बख्शा जा सकता है। रूपा ने पूछा डॉक्टर साहब कितने रुपए खर्च होंगे। पता चला कम से कम 50,000 रुपये। उन्होंने जितने भी अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार थे सबको फ़ोन किया, लेकिन आजकल के कलयुग में भी कहाँ रिश्तेदार काम आने वाले हैं। कोई बहाना कर दिए कि अभी तो पैसा नहीं दे सकते, तो किसी ने तो फ़ोन भी नहीं उठा। क्या ज़रूरत है किसी और का परेशानी लेने की। यही सोचकर रूपा बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा पैसे अब सिर्फ उसके ऑफिस से ही मिल सकते हैं। उसने अपने एक दो कलीग से बात की, सब 2-4 हज़ार रुपये 5-10 हज़ार रुपये तक बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन उनके ज़्यादा उससे ज़्यादा किसी के पास से पैसा पाना थोड़ा मुश्किल था, ये बात उसे भी पता था। अंततः उसने सोचा कि उसके बॉस से ये बात का निर्णय लिया जाए। वो बॉस के कमरे पे गई थोड़ी मायूस होकर, और उसने अपने बॉस को सारी बात बताई। उसके बॉस पहले से ही थोड़े खरूस थे, उनकी नीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये बात रूपा को पहले से पता था। लेकिन बात जब घर वालों की आई या किसी की जान पर, तब इंसान के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं होता है। इंसान इतना ज़्यादा मजबूर जो हो जाता है। रूपा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने बॉस को सारी बात कही, लेकिन बॉस का बर्ताव अच्छा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी 50,000 क्या 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे। रूपा को अपने आंखों पर और उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। इतने खरूस बॉस इतना पैसा देने पे कैसे राजी हो सकते हैं, रूपा ने ये सोचा। लेकिन जब उसे असलियत पता चली तो उसकी ज़िंदगी भी मानो थम गई। उसके बॉस ने कहा आज से 7 साल पहले उसके बॉस की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, और वो जब अपने बॉस से पैसे मांगने गया था तो उसके बॉस ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था और उनके पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में वो समझ सकते हैं कि पिता ज़िंदगी में कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए वो पैसे देने के लिए राज़ी थे। उन्होंने कहा रूपा को कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हम दे देंगे, तुम बस अपने पिता की ध्यान रखो, वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी पिता हैं। आज रूपा के आँखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। वो समझ गई भले ही उसके बॉस कितने खरूस हैं, कितने भी काम करवाते हैं, लेकिन दिल के एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपने उनसे पैसे लिए और अपने पिता की तुरंत सर्जरी की। सर्जरी सही हुआ और उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो गए। रूपा अब भी हमेशा ज़िंदगी भर अपने बॉस की शुक्र मानेगी। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे मदद मिला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी में, और आप भी चाहो तो कोई अगर मजबूर हो तो उसकी मदद ज़रूर करना दोस्त। अगर आप किसी की मदद करोगे तो कोई आपकी भी मदद करेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।